संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, असुरों के सर्वनाश के लिए माँ भगवती ने दुर्गा के नौ स्वरूपों में खुद को प्रकट किया। आज नवरात्रि का छठवां दिन है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतलटोंग से संजीवन गर्भ संस्कार में आपका स्वागत करती हूँ। आज नवरात्रि के छठवें दिन हम माँ कात्यायनी का ध्यान और गर्भ संवाद करने जा रहे हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप स्वर्ण के समान तेजस्वी और अत्यंत दिव्य है। माता की चार भुजाएं हैं, जिनमें अस्त्र शस्त्र और कमल का फूल विराजमान है। माता कात्यायनी की पूजा अर्चना से माता अपने भक्तों को अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इन चार फलों को आशीर्वाद स्वरूप देती है। अपने भक्तों को रोग दुखों से निवारती है माँ कात्यायनी। यदि आप प्रेग्नेंट है तो आपको आपके माध्यम से गर्भस्थ शिशु को देवी कात्यायनी का ध्यान हमें कराना है। साथ ही 9 महीने में अपने शिशु पर गर्भ संस्कार भी हमें करने हैं। गर्भ संस्कार से हम हमारे शिशु को मन चाहे गुणों से, सद्गुणों से परिपूर्ण बना सकते हैं। इसके लिए आप मुझसे भी जुड़ सकती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पे जाके आपको डाउनलोड करना है संजीवन गर्भ संस्कार ऐप और घर बैठे ही बनना है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेबी। देवी कात्यायनी हमारे गर्भस्थ शिशु पर भी अपनी कृपा और आशीष बनाए रखे। चलिए शुरू करते हैं माँ कात्यायनी का ध्यान एवं गर्भ संवाद। माँ कात्यायनी का ध्यान और गर्भ संवाद करने के लिए सबसे पहले शांत चित्त होकर प्रसन्न मन से एकांत में बैठना है। बैठते समय सुखासन में बैठना है। धीरे धीरे अपने विचारों को शिथिल करना है। लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है। आंखें बंद, दोनों हाथों को पेट के ऊपर रखकर बड़े प्यार से, दुलार से शिशु को सहलाना है। आपका पूरा ध्यान मेरी वाणी पर है। मैं जो कह रही हूँ आपके माध्यम से आपको शिशु तक पहुँचाना है। है मेरे बालक, आज हम देवी माता के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का ध्यान कर रहे हैं। हम हमारी बंद आँखों से, अंतर चक्षु से माता को देख रहे हैं। माता कात्यायनी चतुर्भुज धारण किए हैं। इनकी दाई तरफ का हाथ अभय मुद्रा में है और दूसरा हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। माँ की बाई तरफ के हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। माँ कात्यायनी इनका स्वरूप अति भव्य दिव्य है। माता स्वर्ण कांति युक्त है और माँ सिंह पर सवार है। हे मेरे शिशु, माँ कात्यायनी ऋषि श्रेष्ठ कात्यायन इनकी पुत्री है, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी है। महर्षि कात्यायन जी ने भगवती परम्बा की कठोर उपासना की। देवी माता ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर देने का आशीर्वाद दिया। तब महर्षि कात्यायन जी की इच्छा थी कि देवी भगवती खुद उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले और यही इच्छा पूर्ण करने के लिए माँ कात्यायनी के रूप में माँ भगवती ने महर्षि के घर जन्म लिया। है मेरे शिशु, कात्यायनी बैद्यनाथ यह स्थान पर प्रकट हुई थी। माता का गुण शोध कार्य है। मेरे बालक, माँ की कृपा से सारे कार्य पूर्ण होते हैं। मान्यता है भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा यमुना तट पर की थी, इसीलिए माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थित है। हे मेरे बालक, माँ का यह स्वरूप बड़ा ही निर्मल है। माता तुम्हारे जीवन में अर्थ, काम, धैर्य और मोक्ष, इन चारों फलों की प्राप्ति का आशीर्वाद दे रही है। माता तुम्हें निरोगी जीवन जीने का आशीष दे रही है। मेरे शिशु, तुम्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति सदैव जागृत रहना होगा, क्योंकि जब तुम शरीर और मन से स्वस्थ हो तभी तुम तुम्हारे जीवन का आनंद ले पाओगे। माता का गुण शोध कार्य है, इसीलिए जब इस दुनिया में मानवता के लिए, जनहित के लिए तुम नई नई बातों की खोज करोगे तब माँ कात्यायनी तुम्हारा वह कार्य पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद तुम्हें देगी। आओ मेरे बालक, हम माता कात्यायनी को प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तत्से 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 नमो नमः। कुछ समय इसी अवस्था में रहना है।
प्रसन्न लग रहा है, आनंदी लग रहा है। माता का ध्यान करते धीरे धीरे पूर्वावस्था में आना है, धीरे धीरे आंखें खोलनी है। यह हो गया आज का गर्भ ध्यान तथा गर्भ संवाद। इसी संवाद को आपको रात को 8 बजे फिर से दोहराना है। गर्भ ध्यान तथा गर्भ संवाद का आपका अनुभव कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो फिर कल मिलते हैं नवरात्रि के 7वें दिन के गर्भ ध्यान तथा गर्भ संवाद के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करें प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। जय माता दी।